हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लास 12th के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर सकते हैं, इसको बात कर चुके हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम लोग जानते हैं। इसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमिट्स का फॉर्मेशन, इसमें जो गैमिट्स फॉर्म होते हैं वो अलग अलग पेरेंट्स से, मेल और फीमेल पेरेंट्स से फॉर्म होते हैं, और उसके बाद जो गैमिट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के साथ साथ फिर क्या होता है, उसके बाद उनका मैच्योरेशन होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो यूजुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं या फिर आपका सिनगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का देखने के लिए मिलेगा बच्चों आपको, एक मिलेगा सिनगैमी और एक मिलेगा आपको कॉन्जुगेशन। यूजुअली जो सिनगैमी होता है उसमें जो टू डिफरेंट गैमिट्स आपस में फ्यूज करते हैं, और अगर हम लोग देखें कि गैमिट्स के बिहाफ पे कहाँ से गैमिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये हमें दो टाइप की मिलेगी, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन को एंडोगैमी भी बोलते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को एक्सोगैमी भी बोलते हैं। जो हमारा एंडोगैमी होता है उसमें जो गैमिट्स का सोर्स होता है वो एक ही पेरेंट से होता है, ठीक है, वो एक ही पेरेंट से होता है। दैट मीन्स इसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग मोनोशियस और आपका बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, तो जिसमें जो गैमिट्स का सोर्स है वो टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, अब उसको हम लोग बाई पेरेंटल बोलेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम लोग, जैसे हमने उसको बाइसेक्सुअल बोला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो यूजुअली आपके मोनोशियस होंगे या बाइसेक्सुअल होंगे, मतलब कि उसमें मेल फीमेल एक ही में प्रेजेंट, एक ही पेरेंट में प्रेजेंट होगा। और जो आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा उसमें मेल एंड फीमेल डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंस होंगे, और उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलेंगे या फिर डायोशियस बोलेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो कॉन्जुगेशन टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है कि एक ही स्पीशीज के टू डिफरेंट पेरेंट्स हैं, तब उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा और फिर उसका मैच्योरेशन होगा। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें आगे देखने के लिए मिलेगा, वो हमें देखने के लिए मिलता है कि उसमें कौन कौन सी फेजेज होती है। मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी वीडियो में बताया हुआ था, बट अभी एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। जो फेजेज हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सबसे पहले होती है जुवेनाइल फेज। अब जुवेनाइल फेज का क्या मतलब होता है, जुवेनाइल फेज का मतलब होता है बच्चा पार्टी कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव कर रहे हैं, अभी उन्होंने अचीव नहीं किया है, ठीक है। देन फिर होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ लाइफ पास हो रही है, लेकिन फिर लास्ट जो स्टेज है वो है एजिंग प्रोसेस। दैट मीन्स अब उनका जो एज है वो धीरे धीरे टूवर्ड्स द डेथ मूव करता है, ठीक है। उसके बाद हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं बेटा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट्स में भी अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट जो इवेंट होता है वो हमारा प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, सेकेंड हमारा रिप्रोडक्टिव फेज है, लास्ट हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। तो इन तीनों इवेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल वे में समझ सकते हैं, जिसको अपन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।